आज मैं आपको गणपति जी से जुड़े हुए 5 महा उपाय बताऊंगी। सबसे पहले आपको आज का पहला महा उपाय क्या है ये बताती हूँ। आपके घर में क्या वास्तु दोष है, परेशान ना हो। अपने घर में जिस हिस्से में वास्तु दोष हो, उस स्थान पर सिंदूर में घी मिलाकर दीवार पर स्वास्तिक बनाइए। इससे वास्तु दोष का प्रभाव कम होगा। बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाय की। क्या आपके घर पर ईश देवता की कृपा नहीं है, तो गणपति का दूसरा महा उपाय सुनिए। गणेश जी को रोजाना दूर्वा घास अर्पित करें, इससे लाभ जरूर मिलेगा। दूर्वा चढ़ाकर समृद्धि की कामना करें। ओम गम गणपते नमः का पाठ जरूर करें। आपके घर पर आपकी ईश देवता की कृपा बरसने लगेगी। वैसे भी गणपति विघ्नहर्ता माने जाते हैं। आपको आज का तीसरा महा उपाय क्या है ये बताने का वक्त आ गया है। सवाल क्या है ध्यान से सुनिए। सवाल ये है कि क्या घर में बार बार तोड़फोड़ होती रहती है। घर में किसी भी तरह का वास्तु दोष होने पर अष्ट धातु से बना पिरामिड यंत्र पूर्व की तरफ वाली दीवार पर लगाएं, वास्तु दोष दूर हो जाएगा। क्या घर में कष्ट बने रहते हैं, तो ये महा उपाय कीजिए। चेक कीजिए आपके मंदिर में गणेश जी एक से ज़्यादा मूर्तियाँ तो नहीं हैं। देखिए पूजा के लिए गणेश जी की एक ही मूर्ति होनी चाहिए। गणेश जी की मूर्ति के पास अन्य कोई गणेश की मूर्ति नहीं रखें। एक साथ दो गणेश जी रखने पर वृद्धि और सिद्धि नाराज हो जाती है। बात करते हैं आज के पांचवें और आखिरी महा उपाय की। घर में पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती है, घर में घी का दीपक जलाएं। घी को पुष्टिवर्धक रोग नाशक कहा जाता है। जो व्यक्ति गणेश जी की पूजा घी से करता है उसकी बुद्धि प्रखर होती है, शार्प होती है। घी से गणेश जी की पूजा करने वाले व्यक्ति अपनी योग्यता और ज्ञान के संसार में सब कुछ हासिल कर लेते हैं।